अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लंग्स की पैथोलॉजी। आई होप आप लोग इसे बोर नहीं हुए होंगे। हमने ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा के पेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यूजली मेरी कोशिश होती है आप लोगों की क्यूरीज को क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, हम लोगों ने बात करनी है रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो लंग है यहाँ पे या तो फाइब्रोसिस होगी, स्कारिंग होगी, डिपोजिशन होगी, प्रोलिफरेशन होगी आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, और वो लंग के एरिया को रिड्यूस कर देगी, या एरिया को क्या, इसकी जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देगी, स्टिफनेस कॉज कर देगी। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज की जो सबसे पहली निशानी होती है वो होती है लंग जो है वो स्टिफ हो जाती है। ठीक है, वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाती। एक्सपेंड जब वो प्रॉपरली नहीं कर पाती तो इसका मतलब है कि जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम की बात करें तो वो या तो रिड्यूस होता है थोड़ा बहुत या नॉर्मल ही रहता है। सही है, अब अगर हम फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी की रेशियो ले लें तो क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत रिड्यूस हो रहा है और ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये नॉर्मल रहता है। और अगर डिनोमिनेटर रिड्यूस भी होता है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रेशियो हमारे पास जो है वो तकरीबन नॉर्मल आती है। कंप्लायंस रिड्यूस हो जाती है, डिफ्यूजन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, लंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाती। अब एक्सपेंड नहीं करती तो इससे क्या क्या मसले होते हैं, क्या क्या डिजीजेज होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। जिस तरह हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस थे, इसी तरह रिस्ट्रिक्शन वालों को, क्योंकि ये इंटस्टिशियम को इन्वॉल्व करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्रॉनिक इंटस्टिशियल लंग डिजीजेस है। क्या है? क्रॉनिक इंटस्टिशियल लंग डिजीजेस है। क्रॉनिक इंटस्टिशियम को इन्वॉल्व करेंगे लंग्स के एरिया में और डिजीज स्टेट कॉज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहली वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रिस्ट्रक्टिव या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉज हम कहते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉज, या तो ये पैरेन्काइमल है या ये एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल है, यानी पैरेन्काइमल नहीं है। ठीक है, तो या तो बच्चों ये क्या होंगे, एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल इन ओरिजिन होंगे या ये पैरेन्काइमल होंगे। ठीक है, कि पैरेन्काइमल रीजन को इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल में हम फर्दर इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, या तो कोई चेस्ट वॉल का डिफेक्ट है। ठीक है, चेस्ट वॉल के डिफेक्ट की वजह से एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, लंग प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पा रही, या कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कोई मस्कुलर इशू है, कोई मसल के अंदर मसला है, जो मसल्स हैं आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे या काम नहीं कर रहे, कोई मसल या इवन के नर्व पाल्सी है, तो वो भी क्रॉनिक इंटरस्टीशियल लंग डिजीजेस कॉज कर सकती है। चेस्ट वॉल डिफेक्ट में अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल के तौर पे अगर ओबीस है तो उसकी एक्सपेंशन इतनी ज्यादा नहीं होती, लोड होता है, या फिर केफोसिस एक टर्म होती है, इसके अंदर भी आपके पास क्या हो सकता है, एक्सपेंशन में मसला हो सकता है। ठीक है, मसल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास डायफ्रेगमेटिक पाल्सी होती है, या नर्व की बात करें तो गुलियां बारे सिंड्रोम होता है, या फिर हमारे पास कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या इवन के माइस्थीनिया ग्रेविस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारी ऐसी एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल रीजंस हैं जो कि आपके लंग की एक्सपेंशन को इफेक्ट करेंगी और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज का कॉज बनेंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है पैरेन्काइमल कॉजेज। लंग का पैरेन्काइमा खुद रिस्पॉन्सिबल है रिस्ट्रिक्शन टू एक्सपेंशन के लिए। पैरेन्काइमल कॉजेज को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, इधर एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट पैरेन्काइमल डिजीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी इंजरी होती है और वो क्या करती है, इम्यूनिटी के कंपोनेंट न्यूट्रोफिल्स वगैरह को इनिशिएट करती है, जिनकी वजह से साइटोकाइन्स और इंटरल्यूकिन आते हैं और न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं और आपके पास बहुत ज्यादा वहां पे डैमेजिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, इवन रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज तो आई गेस रिवाइज नहीं हम करेंगे कि पैरेन्काइमल में एक इंटरस्टीशियल लंग डिजीज एक्यूट फॉर्म में है, दैट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है क्रॉनिक। सही है, अब क्रॉनिक को मैं जरा आगे लेके चलती हूं। तो यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं
कि जो हमारे पास इंटस्टीशियल डिसऑर्डर्स हैं या फिर लंग के लिए रिस्ट्रिक्शन कॉज कर सकते हैं, उनमें हमने कहा कि या तो हमारे पास पैरेन्काइमल है या एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल है। पैरेन्काइमल में हमने कहा कि हमारे पास एक्यूट है, जिसमें हमने पढ़ लिया एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या कि क्रॉनिक स्टेट हो सकती है। क्रॉनिक के अंदर आपने याद रखना है 4 फर्दर डिजीजेस होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे क्रॉनिक पैरेन्काइमल कॉजेस में हमारे पास होते हैं फाइब्रोजिंग डिजीजेस। ये अपने नाम से बता रहे हैं कि इनके अंदर ऐसा कुछ जरूर होगा कि लंग्स के पैरेन्काइमा में एक्सेसिव फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रस डेपोजिशन होगी, जिससे लंग स्टिफ हो जाएगी और वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर सकेगी। फाइब्रोजिंग डिजीजेस में और भी डिजीज आते हैं, लेकिन हम ये जरा कंप्लीट करके करते हैं। दूसरे इसके अंदर होते हैं ग्रैनुलोमेटस डिजीज, यानी कि कुछ ऐसे डिजीज जो कि ग्रैनुलोमा बनाएंगे, और जब ग्रैनुलोमा बनता है और वो हील होता है तो स्कारिंग होती है, सो स्कारिंग होगी और रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ठीक है। तीसरे हमारे पास इओजिनोफिलिक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं उनकी भी बात करेंगे। एंड फोर्थ कुछ होते हैं स्मोक रिलेटेड डिजीजेस, जो कि आपकी लंग के अंदर रिस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस में पैरेन्काइमल में भी एक्यूट एंड क्रॉनिक, और क्रॉनिक में फाइब्रोजिंग, ग्रैनुलोमेटस, इओजिनोफिलिक एंड स्मोक रिलेटेड जो आपने करने हैं वो। फाइब्रोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैनुलोमेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फाइब्रोजिंग डिजीजेस की। तो जो फाइब्रोजिंग डिजीज हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू 4 और 5 और 6 मेन टाइप्स, ठीक है। अगेन इतनी इंपॉर्टेंट तो कोई नहीं है, लेकिन चलें हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि बुक में है। सबसे इंपॉर्टेंट फाइब्रोसिंग से नाम समझ आ रहा है ना, क्लासिफिकेशन करा रही हूं, आगे पैथोलॉजी समझाऊंगी। फाइब्रोसिस होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज आता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक पल्मनरी फाइब्रोसिस। नाम से पता चल रहा है पल्मनरी लंग फाइब्रोसिस हो रही है, क्यों? आइडियोपैथिक है, हमें नहीं पता। सो आईपीएफ जो है ये फाइब्रोजिंग डिजीज है, जो कि क्रॉनिक स्टेट है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की, ठीक है। तो ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन पैटर्न है ये याद रखना है। सो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है, ये तो आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, दूसरा हमारे पास होता है नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टीशियल नमूनिया, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टीशियल नमूनिया, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आ जाता है क्रिप्टोजेनिक, ये भी अगेन हमें नहीं पता होता, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया, ठीक है। क्या होता है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया, कोलेजन रिलेटेड भी होता है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर दो हैं, ये हमारे पास आता है न्यूमोकोनियोसिस। क्या होता है न्यूमोकोनियोसिस? अब न्यूमोकोनियोसिस ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, न्यूमोकोनियोसिस का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ इनहेल्ड पर्टिकल्स जाके या डस्ट पर्टिकल्स जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं और लंग पैथोलॉजी कॉज कर रहे हैं, और वो इनहेल्ड पर्टिकल यूजली ऑक्यूपेशन रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सिलिका की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जहां पे सिलिका का वर्क लोड है और सिलिका इनहेल कर रहा है, तो उसको न्यूमोकोनियोसिस की एक टाइप हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं सिलिकोसिस, सही है। एस्बेस्टोस की इंडस्ट्री में एस्बेस्टोस से उसका एक्सपोजर, एस्बेस्टोस इनहेल कर रहा है तो उसको हो जाएगी एस्बेस्टोसिस। कार्बन इनहेल कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कार्बन कोल वर्कर या फिर ब्लैक लंग डिजीज, ठीक है। तो ये भी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो आई होप मैंने आप लोगों को तंग नहीं किया, हम यहां पे एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं और फिर प्रॉपरली चलते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर में लेके चले लंग डिजीजेस को। हमने कहा लंग डिजीजेस होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एंड देन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हमने बात कर ली, ये तो जी 4 थे, इम्फाइजीमा, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियेक्टेसिस। ये हैं एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल एंड देन पैरेन्काइमल। एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल में मैंने बताया चेस्ट वॉल डिफेक्ट हो सकता है, मस्कुलर या नर्व का मसला हो सकता है। पैरेन्काइमल में हमने इसको डिवाइड कर लिया कि ये हो सकते हैं एक्यूट या फिर ये हो सकते हैं क्रॉनिक। एक्यूट में हमने कहा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, जो कि इंजरी के बाद रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था। और क्रॉनिक में मैं आपको बता रही हूं कि ये हो सकते हैं 4 तरह के। सबसे पहले मैंने कहा फाइब्रोसिंग होंगे, ग्रैनुलोमेटस होंगे, इओजिनोफिलिक है, स्मोक रिलेटेड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ फाइब्रोसिंग की डिटेल बताई कि फाइब्रोसिंग में हमारे पास आता है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसको दूसरा नाम यूजुअल इंटरस्टीशियल नमूनिया भी देते हैं। यहां पे आता है नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टीशियल नमूनिया,
या क्रिप्टोजेनिक नमूनिया या फिर न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस के डिफरेंट पैटर्न है डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी चीज जो है वो वहां पे डिपॉजिट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिलिका है तो हम उसको कहते हैं सिलिकोसिस, अगर हमारे पास एस्बेस्टोस है तो वो कहलाएगा एस्बेस्टोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लंग कार्सिनोमा कॉज करता है, और अगर कार्बन इनहेल कर रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लंग ब्लैक हो जाती है और इसको हम ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ग्रैनुलोमैटिस के अंदर भी दो डिजीज आ जाते हैं जिसमें हमारे पास है सार्काइडोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोड़ के चली गई थी, बाकी पूरा चैप्टर कर लिया था और बदकिस्मती थे सार्काइडोसिस के ऊपर ही 5 नंबर का क्वेश्चन मेरे जमाने में आया था। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो इसमें सार्काइडोसिस होता है और साथ में हाइपर सेंसिटिविटी नमूनिया भी आता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, इसकी भी है लेकिन अगेन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिवर्सिटीज वगैरह से कंसर्न कर लेना। ये फाइब्रोसिंग डिजीज है, ये ग्रैनुलोमैटिस है, इयोजिनोफिलिक एंड स्मोकिंग रिलेटेड है। अब जरा हम फाइब्रोसिंग डिजीज को स्टार्ट करते हैं।